जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट अड्डे 86 में। दोस्तों, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 44 रन से हरा दिया T20 के सेकंड मुकाबले में। इसमें जो मैं प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं SSV जयसवाल है, और रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी की आखिरी के 3 ओवर्स में, और शानदार बल्लेबाजी करते अच्छा रन बनाया, जिसके कारण इंडिया को बड़ा स्कोर मिला ऑस्ट्रेलिया के टारगेट के लिए। देख लेते हैं इसमें बाकी मीडिया चैनल्स क्या बोलते हैं। इंडियन बैट्समैन ने अपनी बैटिंग से इतना बड़ा हदफ दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया की 7 नस्लें भी इसको चेज नहीं कर सकती थी। अच्छा यार, 234 का टारगेट छोटा नहीं होता। देखिए, ये सारे वो लड़के खिलाए हैं जो कि जिनको पूरी दुनिया IPL के बच्चे कहती थी यार, इन्होंने कब जाके ग्रो होना है, इनको तो बड़ा टाइम लगेगा था मेच्योर होने में। इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा, इनके अलावा इनके पास बैट्समैन ही कोई नहीं है। इन्होंने बताया कि यार देखो, हमारे बच्चे इतना स्कोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक टीम के लिए, एक वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद, इतने स्ट्रेसफुल मोमेंट्स के बाद इतना बड़ा कमबैक करना, वो भी बी टीम का, जिसके अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं है, बॉलिंग के अंदर मोहम्मद शामी नहीं है, तो ऐसी टीम को तो भाई हैट्स ऑफ है, जिन लोगों ने इतनी आला परफॉर्मेंस की है। वो भी इस बार दूसरे मैच के अंदर ग्लेन मैक्सवेल जैसे और स्मिथ जैसे भी प्लेयर खेल रहे थे। रिंकू सिंह यार, पता नहीं कैसा फिनिशर है वो, उसको सिंगल करना बताया ही नहीं उनके कोचिज ने। वो आया पहली गेंद पे छिका, उसके बाद जिस ओवर में उन्होंने 3 चौके मारे हैं उस ओवर में छिका, उसके बाद अगले ओवर में फिर छिका, मेरे ख्याल से 9 गेंदों पे उस बंदे ने 31 स्कोर किया। मतलब कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बड़ी ही शानदार किस्म के तरीके से हराया। बड़ा ही मजे का मैच हमें देखने को मिला, और क्या मैच था देखिए। T20 क्रिकेट के अंदर तबाही का दूसरा नाम क्या, T20 क्रिकेट के अंदर तबाही का दूसरा नाम है रिंकू सिंह। तबाही का दूसरा नाम रिंकू सिंह, जी हाँ, मैं हमेशा जिसको जो नाम देता हूं वो बड़ा सोच समझ के देता हूं, और मैंने रिंकू सिंह को तबाही का दूसरा नाम दिया। ये बॉलर्स के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। ये जो परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है भाई, ये बार बार घंटी बजा रहा है, वो जो आजकल पाकिस्तानी कुछ लोग घंटा लेके घूमते हैं ना, वो वाली घंटी बजा रहा है और दिखा रहा है सबको कि मुझे T20 वर्ल्ड कप में सेलेक्ट लाजमी करना। आज तक जो इंडिया पिछले 10 साल से वो फिनिश नहीं कर पा रहा ना, इंडिया को एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की जरूरत है। रिंकू सिंह ही आज आपको बचा के गया है, रिंकू सिंह की शक्ल में। और आज हमें नजर ही आया है कि इंडिया को इस टाइम किसी सीनियर प्लेयर की जरूरत ही नहीं है। अभी सीनियर कितने तपे हुए हैं, जूनियर उससे ज्यादा तपे हुए हैं यहाँ पे। अगर ऑस्ट्रेलिया मेरे, आज देखे मैक्सवेल खेल रहा था, जैम्पा खेल रहा था, जोश इंग्लिश था, उसके अलावा स्टोइनिस खेल रहा था, स्टीव स्मिथ ओपन आ रहा था, उसके बावजूद उन्होंने 235 मार के, बात तो कह रही हूँ अरसलान, कि आज T20 मैच था जो इंडिया ने 235 का उन लोगों को टारगेट दे दिया, हालांकि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नहीं किया उन्होंने। यही बात मैं बोल रही हूँ, 240 ऑस्ट्रेलिया की किस्मत थी अच्छी फाइनल के अंदर। दिन अच्छा था, हम लोग ये कह सकते हैं, सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया अपने दिन की वजह से जीता है, परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं जीता। इंडिया ने उस दिन बड़ी जान मारी, नो डाउट। बुमराह जब 224 डिफेंड करने आया, वो अकेला शेर लड़ता रहा है, लेकिन उस दिन उनका दिन नहीं था जिसकी वजह से वो हारे हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चाहे पूरा ऑस्ट्रेलिया भी उठा लाए ना, इन 11 लड़कों को नहीं हरा सकता अब। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप से पहले भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 3 सीरीज हुई है, 3 मैचेस की। ये वही चल रही है, वो ODI थी, वो KL राहुल ने जितवा दी। अब देख लें ये यंग लड़के, जिनको हम लोग कह रहे थे कि यार अभी तो इनको बड़ा टाइम लगेगा, इनको रोहित के अंडर खिलाओ, विराट के अंदर खिलाओ, रोहित के अंडर, जो T20 का कैप्टन है, स्काई जो अब आया दूसरा मैच कैप्टनसी में, और उस बंदे ने सीरीज शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि यार मैंने अपने लड़कों को कह दिया है कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलो, बस देखी जाएगी जो होगा। और वो जिस माइंडसेट से ग्राउंड में उतरता है, इमेजिन करें, सबको छोड़ दे, जस्ट इमेजिन करें कि अगर वो जो आखिरी 2 ओवर के अंदर इंडिया ने वो रन ना मारे होते तो ये वाला मैच ऑस्ट्रेलिया ले गया हुआ था। वो जो लास्ट 2 ओवर में 44 रन आए थे 25 और 19, उन्हीं ने जिसको कहते हैं ना सारा प्रेशर ये क्रिएट किया था। अदरवाइज इंडिया मैच जिसको कहते हैं ना निकाल लेता अपने हाथ से, निकल जाना था, ऑस्ट्रेलिया ने ले जाना था मैच। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ रिंकू सिंह को जाएगा। पिछला मैच भी उसने जितवाया, इस मैच में भी उसने आपके एंड के ऊपर टोटल बड़ा अच्छा मारा, 9 बॉलों पे 31 किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक तगड़ा किस्म का स्टार्ट किया इंडिया के खिलाफ, सुपर किस्म का, जो उनको स्टार्ट चाहिए था वो उन्होंने स्टार्ट मारा, जिसके अंदर इंडिया ने फील्डिंग भी नहीं अच्छी की, इंडिया ने कैचेस भी छोड़े, तो ये जिसको कहते हैं ना इंडिया के लिए प्रेशर बन गया था, लेकिन फिर भी एट द एंड अच्छी बॉलिंग की, मैच अपना जीत लिया। और 2 लगातार इंडिया मैचेस जीत चुका हुआ है, कितने, 2 लगातार इंडिया मैचेस जीत चुका हुआ है, तो एक अच्छा साइन था, गुड साइन था कि आपका। अब ये देखिए, जो भी है ऑस्ट्रेलिया की जो आज की टीम थी ना,
वो कदरे खतरनाक टीम थी पिछली वाली टीम से। मैक्सवेल इस टीम का हिस्सा है, स्टोनस इस टीम का हिस्सा है, एडम जैम्पा, स्टीव स्मिथ है, जॉश इंग्लिश है, मैथ्यू वेड है, ये किसी से कम नहीं थी। बड़ी खतरनाक टीम थी ये, बड़ी जिसको कहते हैं ना खतरनाक किस्म की टीम थी। लेकिन उसके बावजूद आपके जिसको कहते हैं बॉलर्स ने लीड किया, एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बावजूद आपके रवि बिश्नोई ने ब्रेक थ्रू दिलवाया शुरू के अंदर, जो कि बड़ा जरूरी था, बड़ा